नहीं हो रही। शायद अगर तुम वर्कआउट करो तो हो जाएगा। तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही भद्दे लगते हैं, इन्हें किसी तरह मिटा नहीं सकती। तुम्हारे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है? क्या मजाक है ये? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। हद करती हो सच में। प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो जवान है, खूबसूरत है, उसमें सब कुछ है जैसे तुम पहले हुआ करती थी। ये क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी का क्या होगा? मुझे माफ करो पर अब मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। हस्बैंड अपनी वाइफ को जवान गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ देता है। उसकी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कई दिनों तक रोती रहती है। हस्बैंड अपनी नई जवान गर्लफ्रेंड के साथ मजे में रहता है, वो शराब पीने में और पार्टीज करने में खो जाता है। वाइफ कई दिनों बाद हिम्मत जुटाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलती है और एक्सरसाइज फिर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने ब्रेकअप से उबरने लगती है। इधर हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बहस होती है क्योंकि वो एक जवान लड़के के फोटोज देखती है और एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी से बात करते हुए पकड़ लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक जवान लड़के के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड गम में डूब जाता है और एक दिन अचानक उसकी अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात होती है। हे क्रिस्टल, रुको। एक मिनट बेटा। हे। वाओ। तुम सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को एक और कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो हमारी बात नहीं बनी और उसने मुझे किसी जवान लड़के के लिए छोड़ दिया है। पर तुम पहले से बेहतर लग रही हो। इतनी खूबसूरत कैसे बनी? वो क्या है कि मेरे मोटे होने का कारण था कि मैंने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में बिजी थी और ये स्ट्रेच मार्क्स तब आए जब मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया और मैं इन्हें कभी भी नहीं मिटाऊंगी। मेरे कपड़े इतने आम हुआ करते थे क्योंकि मैं पैसे बचाती थी ताकि तुम और हमारी बेटी अच्छे कपड़े पहन सके। तो देखा तुमने, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया और तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे एक मौका नहीं दोगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक जरूर कहूंगी।